बट गाइस कुछ टाइम पहले हमने YouTube पे एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने बात करी थी अबाउट बॉडी ग्रूमिंग ट्रिमर्स एंड उसके बाद मेरे को काफी सारे DMs आए एंड आप लोगों के कमेंट्स भी आए जिसमें आप लोगों ने मेरे को बोला कि नितिन भाई यार एक वीडियो बना दो बियर्ड ट्रिमर्स के बारे में तो मजा आ गया यार, यार तुम जान मांगते ना तो हम वो भी दे देते, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, YouTube video about beard trimmers. So hello guys, I'm Nitin Gupta and welcome back to the Classic Affair. And भाई आप लोगों की special demand के हिसाब से पेश करते हैं आज के video में budget friendly beard trimmers for all my brothers out there. तो आज की video में हम लोग बात करने वाले हैं about the best beard trimmers which are available. एक रेंज मैंने पिक करी है जो कि स्टार्ट होगी शायद 350 रुपए से एंड जाएगी अप टू रुपीज 1500 तक आई गेस एंड कुछ 6-7 ट्रिमर मैं आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूँ एंड एक एक चीज भाई साहब बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे तो लास्ट तक रहना यहाँ पे आपके लिए अनिवार्य है. सबसे पहले तो भैया अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो वरना माता रानी पाप लगाएगी. एंड बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे ट्रिमर नंबर 1 के साथ में व्हिच इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड नोवा एंड Amazon पे अवेलेबल है बाय द नेम ऑफ एपिटेना. तो सबसे पहले यहां पे चेक कर लेते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं. एंड भाई ट्रिमर को देख लो सबसे पहले तो इतना क्लासी लग रहा है जो उसका कलर कॉम्बिनेशन जो उसका पैटर्न है जो गोल्ड कलर है इतना बढ़िया लग रहा है एंड इट इज अनबिलीवेबल कि इसका प्राइस देखने के हिसाब से अगर मैं बोलूं दैट इट इज प्राइस एट ₹380. उसके अलावा बात की जाए बॉक्स के बारे में तो यार यहां पे हमारे पास में आता है एक चार्जर जिसके अंदर आप लोग सेल को यूज करोगे सेल को प्लग करके आप लोग अंदर यहां पे इसको चार्ज कर सकते हो एंड एक यूएसबी पोर्ट के साथ में आता है ये. उसके अलावा हमारे पास में आती है इसके अंदर 4 कॉम्ब अटैचमेंट्स एंड ये है हमारी एक 3 mm की है एक 2 mm की है एक हमारी 4 mm की और एक है 1.5 mm की. एंड इस ट्रिमर को चलाने के लिए जो इसकी बैटरी है आपको नीचे के साइड से अंदर इंसर्ट करनी होगी एंड इसका जो बटन है स्टार्ट करने वाला वो भी नीचे ही दिया हुआ है. तो चलो यार एनफ अबाउट की बॉक्स अंदर क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है अब आते हैं मेन पॉइंट पर व्हिच इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ट्रिमर एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है मैं आप लोगों को यहां पे 2 हेयर बैंड्स पे टेस्ट करके दिखाने वाला हूं. सबसे पहला है मेरे पास में यहां पे ये फर वाला हेयर बैंड जिसके ऊपर जो फर है थोड़ा सा लंबा है यानी लंबी दाढ़ी के ऊपर इस पर्टिकुलर ट्रिमर की परफॉर्मेंस किस तरीके की रहने वाली है वो हमें यहां पे पता चल जाएगा. एंड एक हमारे पास में हेयर बैंड अवेलेबल है ये वाला जिसके ऊपर फर लेंथ छोटी है लेकिन काफी डेंस है. डेंस बियर्ड के ऊपर इस ट्रिमर की परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है वो हमें यहां पे पता चल जाएगा. सबसे पहले इस ट्रिमर को टेस्ट करते हैं विद अ कॉम्ब अटैचमेंट एंड आप लोग देख सकते हो यहां पे कि भाई कॉम्ब अटैचमेंट के साथ में बहुत ही इजीली यहां पे जो फर है उसको ट्रिम कर दे रहा है. एंड अगर हम लोग इसको बिना कॉम्ब अटैचमेंट के ट्राई करें तो तब भी यहां पे परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती बहुत ही इजीली इसने यहां पे फर को जो है रिमूव कर दिया. लेकिन एक प्रॉब्लम जो यहां पे मैंने नोटिस करी वो ये है कि भाई कॉम्ब अटैचमेंट को आप लोग किसी तरह लगा तो देते हो लेकिन जब उसको निकालने की बारी आती है तो हालत खराब हो जाती है क्योंकि काफी ज्यादा टाइट है इसके ऊपर कॉम्ब अटैचमेंट एंड वो इजीली रिमूव नहीं हो पाती. तो सिर्फ मेरे को एक ड्रॉबैक इसके अंदर लगा ट्रिमर के अंदर अदरवाइज वो बहुत ही बढ़िया है भाई. लेकिन जो ट्रिमर है हम लोगों ने हेयर बैंड पे भी यूज करना है नहीं हमने यूज करना है अपने स्किन के ऊपर तो इसलिए मैंने इसका स्किन टेस्ट भी करा है. एंड एक चीज मैंने नोटिस करी कि जहां जहां पे स्किन थोड़ी सी पतली है ना वहां पे आपको ये ट्रिमर थोड़ा सा हार्ड फील होता है ऑन योर स्किन यानी ब्लेड जो है वो आपको थोड़े से शार्प जरूर फील होते हैं कट नहीं लगा ऑल्दो लेकिन शार्प जरूर फील होते हैं. इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिमर पर विच इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड Xiaomi एंड इसका प्राइस है ₹1099. एंड भाई साहब Xiaomi ना अब स्मार्टफोन और पावर बैंक से बहुत आगे निकल चुका है. द वर्ल्ड इज मूविंग ऑन और तुम लोग अभी तक अपने एक्स के बारे में बात कर रहे हो. इमोशनल डैमेज जल्दी से देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास. तो सबसे पहले तो यार बात कर लेते हैं हमारे ट्रिमर के बारे में जो कि भाई बहुत ही क्लासी लग रहा है देखने में. ब्लैक कलर का है मैट ब्लैक फिनिश है एंड पीछे जो हमारे पास में रोटेटिंग डायल दिया हुआ है जिसके ऊपर 10x220 नंबर यानी 20 लेंस सेटिंग्स अवेलेबल है हमारे पास में जिसके लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल जाती है 2 कॉम्ब अटैचमेंट्स. फिर आते हैं हमारे चार्जिंग केबल पर तो यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट वाली टाइप सी चार्जिंग केबल अवेलेबल है जिससे आप लोग अपने ट्रिमर को चार्ज कर सकते हो. तो चलो यार अब इस ट्रिमर की भी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर लेते हैं एंड सबसे पहले हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इसको विद कॉम्ब अटैचमेंट एंड यार कॉम्ब अटैचमेंट के साथ में आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही इजीली यहाँ पे जो फर है उसको इसने ट्रिम कर दिया है एंड विदाउट कॉम्ब अटैचमेंट भी जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती बहुत ही इजीली एंड स्मूथ तरीके से इस ट्रिमर ने यहाँ पे फर को बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से रिमूव कर दिया है. लंबे फर के बाद बारी आती है हमारे टॉवल वाले हेयर बैंड की एंड इसके ऊपर भी आप लोग देख सकते हो गाइस परफॉर्मेंस सीमलेस कितने स्मूथ तरीके से यहाँ पे ट्रिमिंग हो रही है एंड इसके ऊपर भी जो इतना डेंस फर है दिस ट्रिमर हैज डन अ रियली वेरी गुड जॉब एंड एक सिंगल रन में ही इस ट्रिमर ने काफी डेंस हेयर को बहुत ही इजीली यहाँ पे रिमूव कर दिया. लेकिन जैसे हम लोगों ने बात करी कि भाई इस ट्रिमर को हम लोगों ने यूज करना स्किन पे हमने हेयर बैंड के ऊपर यूज नहीं करना तो स्किन टेस्ट के टाइम पे मैंने नोटिस करा कि इसके जो ब्लेड्स हैं दे आर डूइंग अ रियली वेरी गुड जॉब बहुत ज्यादा स्मूथ है ऑन माय स्किन अनलाइक हमारा पिछला नोवा वाला ट्रिमर जिसके ब्लेड थोड़े से शार्प लगे मेरे को इसके ब्लेड बिल्कुल भी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे स्किन पे प्रिक कर रहे हो बहुत ज्यादा स्मूथ थे बहुत ज्यादा जेंटल थे एंड आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन टू यू गाइस. चलो यार इसके बाद मैं आना चाहूंगा नेक्स्ट ट्रिमर पर व्हिच इज द फिलिप्स सीरीज 3000 एंड अब हम लोग कर लेते हैं इसको सबसे पहले तो अनबॉक्स. इसके अंदर हम लोगों को मिलती है कुछ कागज पत्री एंड 1 ईयर का वारंटी कार्ड जिसको आप लोग यूज करके स्कैन करके आप लोग अपने ट्रिमर की वारंटी 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हो. लेकिन अब आते हैं हम लोग हमारी मेन चीज पर. तो भाई जो हमारा ट्रिमर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है एंड व्हाइट कलर का ट्रिमर है बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में. साइड में हमें मिल जाती है यहां पे फिलिप्स की ब्रांडिंग एंड यहां पे जो बीच में सेंटर में आप लोग सर्कल देख रहे हो जो यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारी लेंथ सेटिंग्स विच आर अवेलेबल ओवर हियर एंड 10 लेंथ सेटिंग्स हमारे पास में इस ट्रिमर के अंदर अवेलेबल है एंड यहां में मिल जाती है हमारी कॉम्ब अटैचमेंट जिसको लगाना
एंड उतारना दोनों ही बहुत ज्यादा आसान है। इस तरीके से आप लगा सकते हो और बहुत ही इजीली इसको उतार भी सकते हो। सो बहुत ही इजी है इसका प्रोसेस। एंड लेंस सेटिंग्स को एडजस्ट करने के लिए आप लोगों ने ऊपर सिर्फ अपना कॉम्ब अटैचमेंट लगाना है और बीच में दिए डायल को सिर्फ आपने रोटेट करना है ताकि आप लोग अपने ट्रिमर की लेंथ को एडजस्ट कर सको। तो चलो यार, आप लोग आते हैं हम लोग हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट पे। एंड हम लोग यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट करने वाले हैं कॉम्ब अटैचमेंट के साथ में एक लंबे फर के ऊपर। एंड भाई, ये ट्रिमर यहाँ पे बिल्कुल भी सही से ट्रिम नहीं कर रहा है, इट्स नॉट सक्सेसफुल। एक बार अगर हम लोग यहाँ पे कॉम्ब अटैचमेंट को हटा के टेस्ट करें तो उसके बाद भी यहाँ पे जो ट्रिमर है भाई बिल्कुल भी सही से काम नहीं कर रहा। मेरे को तो बिल्कुल फेल लग रहा है, यहाँ पे ट्रिम अच्छी परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा है। जैसे हम लोगों ने अभी तक परफॉर्मेंस देखी है हमारे Xiaomi वाले और हमारे Nova वाले ट्रिमर में, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं आई। आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर, जो कि हमारा टाल वाला हेयर बैंड, इसके ऊपर टेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे तो भाई आप लोग देख सकते हो कि ट्रिमर चलते चलते बीच में अटक जा रहा है, रुक जा रहा है बार बार, तो इसके ऊपर भी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल मेरे को नहीं अच्छी लगी। तो यानी ये ट्रिमर जो है, अगर आपकी बियर्ड बहुत ज़्यादा डेंस है या फिर अगर आपकी बियर्ड बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसके ऊपर आई डोंट थिंक ये सही से काम करेगा। लेकिन अगर आप लोग स्टबल बियर्ड मेंटेन करते हो तो उसके ऊपर फिर भी सही से काम कर सकता है। तो चलो यार, ये तो हमारे हेयरबैंड वाले टेस्ट हो गए, अब आते हैं हम लोग हमारे स्किन टेस्ट के ऊपर। बात करें अगर हम लोग हमारे स्किन टेस्ट के बारे में, तो यार इस ट्रिमर की परफॉर्मेंस मेरे को बियर्ड के ऊपर फिर भी थोड़ी ठीक ठाक लगी। लेकिन जो हमारे स्किन के सेंसिटिव एरियाज हैं, जैसे आपके नेक के नीचे वाला पार्ट हो गया, वहां पे ना आपको ट्रिमर के ब्लेड्स डेफिनेटली फील होते हैं। यानी यू फील कि हाँ यार, एक शार्प ऑब्जेक्ट जो है आपके गले के पास में सेंसिटिव एरियाज पर रन कर रहा है, तो आपके दिमाग में हो सकता है थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकली डर रहे कि कट पड़ सकती है उसी से। तो जो ट्रिमिंग है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्मूथ तो इस ट्रिमर के साथ में नहीं मिलेगी। एंड गिवन द परफॉर्मेंस जो हम लोगों ने नोटिस करी हमारे पिछले दो ट्रिमर्स के अंदर, तो यार उसके बाद तो आई डोंट थिंक मैं आपको ये रिकमेंड करने वाला हूं। चलो यार, इसके बाद मैं आना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट ट्रिमर पर, व्हिच इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड वेगा, एंड इसका प्राइस है ₹999। एंड जल्दी से चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं हमारे ट्रिमर के बारे में। देखने में तो यार बहुत ही बढ़िया प्रीमियम लुक है, थोड़ा सा मैट फिनिश के अंदर आता है, एंड ये ब्लूइश कलर का है। बीच में दिया हुआ हमारा पावर बटन जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। फिर इसके बाद हमारे पास में आती है यहाँ पे हमारी दो कॉम्ब अटैचमेंट्स, एंड इसके अंदर हमारे पास में टोटल अवेलेबल है 20 लेंस सेटिंग्स। एक कॉम्ब अटैचमेंट के अंदर 10 लेंस सेटिंग अवेलेबल है और दूसरी वाली के अंदर बाकी के 10 अवेलेबल है। इसके बाद आती है हमारी चार्जिंग केबल, जिसके अंदर आपका यूएसबी पोर्ट अवेलेबल है, जिसको आप लोग अपने अडाप्टर के अंदर प्लग कर सकते हो। एंड साथ ही इसमें आता है हमारा टाइप सी पोर्ट, जिसको यूज करके आप लोग अपने ट्रिमर को कर सकते हो चार्ज। चलो यार, अब अनबॉक्सिंग हम लोगों ने कर ली है, तो अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में। सबसे पहले उसको टेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे कॉम्ब अटैचमेंट लगाकर। एंड गाइस, जब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल फेल, यहाँ पे ट्रिम जो है हेयर को, लंबे बालों को बिल्कुल भी सही से ट्रिम नहीं कर पा रहा। कॉम्ब अटैचमेंट अगर हम लोग हटा दें, कॉम्ब अटैचमेंट हटा दें एंड उसके बाद टेस्ट करते हैं अगर, तो सेम रिजल्ट्स, बिल्कुल भी जो ट्रिमर है स्मूथ नहीं है हमारे हेयर को ट्रिम करने में। तो भाई हमारा जो लंबे वाले फर है उसके ऊपर तो ट्रिमर हो चुका है फेल। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे टाल वाले हेयर बैंड के ऊपर, एंड यहाँ पे जब हम लोग टेस्ट करते हैं हमारे डेंस हेयर पे, तो यार यहाँ पे भी जो ट्रिमर है बिल्कुल यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पा रहा है। तो यार दोनों के ऊपर जो हमारा ये वाला ट्रिमर है हो चुका है फेल, यानी प्रिटी मच सिमिलर जो हमारा पिछला वाला था फिलिप्स 3000 जैसा, तो दोनों की परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पे फेल मिली है। तो यार सेंस इसके ऊपर भी यहाँ पे नहीं ढंग से चला, तो आई डोंट थिंक स्किन टेस्ट करने का कोई पॉइंट है, क्योंकि ऑफकोर्स मैं आपको ये वाला ट्रिमर तो डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। भाई हमारे पिछले दो ट्रिमर जो है बिल्कुल फेल निकले हैं, तो आई एम होपिंग कि जो हमारा अगला वाला वो सही निकले। एंड दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड बॉम्बे शेविंग कंपनी, एंड इसका प्राइस है ₹1499। तो चलो यार जल्दी से चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहले बॉक्स खोलते हैं, हम लोगों को यहाँ पे मिलता है हमारा बॉम्बे शेविंग कंपनी का ट्रिमर। एंड यार बहुत ही बढ़िया ग्रे कलर का दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर इसका। एंड ऊपर जिस तरह की डिजाइन दी हुई है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। पावर बटन के आसपास जो यहाँ पे बीच में ब्लू कलर का यहाँ पे एक बाउंड्री सी बनाई हुई है इन सिलेंड्रिकल शेप, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद और क्या अवेलेबल है बॉक्स के अंदर वो चेक कर लेते हैं। भाई काफी सारा सामान इसके अंदर अवेलेबल हम लोगों को मिल जाता है। एंड इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी बहुत अलग तरीके का है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग हमारे पास जो होगी स्टैंडिंग चार्जिंग अवेलेबल है इसके अंदर। यानी आप लोग इसके अंदर अपने ट्रिमर को कनेक्ट करो, चार्जर को अपने अडैप्टर से कनेक्ट करो, एंड यहाँ पे आप लोग अपने जो ट्रिमर है यहाँ पे हम लोगों को चार्जर का जो स्टैंड मिल जाता है। एंड आप लोग ऑफकोर्स इसके ऊपर ट्रिमर को अपने खड़ा कर सकते हो, एंड उसमें जो चार्जर प्लग इन करना है आपने, एंड यूएसबी पोर्ट वाला है, तो आप लोगों को इसको किसी अडैप्टर के अंदर प्लग इन करके चार्ज करना पड़ेगा। साथ ही हम लोगों को इसमें मिल जाती है हमारी चार कॉम्ब अटैचमेंट्स, जो कि है हमारी 3 mm की और एक हमारी 12 mm की और एक 6 mm की और 9 mm की। तुम्हारे पास यहाँ पे 3-3 mm की चार कॉम्ब अटैचमेंट्स अवेलेबल है। एंड सबसे पहले तो हम लोग चेक कर ले कि इसको लगा के उतारना कितना आसान है। तो भाई बहुत ही इजीली लग जाती है एंड बहुत ही इजीली उतर भी जाती है। फिर से टेस्ट कर लेते हैं, बहुत ही इजीली लग गई एंड बहुत ही इजीली उतर गई। तो उसको लगाना और उतारना तो भाई बहुत ही इजी है। एंड साथ ही हम लोग को इस बॉक्स के अंदर मिलती है एक बहुत ही बढ़िया सी कॉम्ब। अब आते हैं हम लोग परफॉर्मेंस के ऊपर। बहुत ही ज्यादा स्मूथली यहाँ पे हेयर जो है रिमूव हो जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से सिंगल रन में इस ट्रिमर ने इस हैवी फर, सॉरी जो लंबे वाले फर है उनको अच्छे से रिमूव कर दिया। और टेस्ट करते हैं इसको हमारे टाल वाले हेयर बैंड पे। एंड भाई इस टाल वाले हेयर बैंड पे भी बहुत डेंस फर है, लेकिन यार ये ट्रिमर बहुत ही सीमलेसली यहाँ पे ट्रिम कर दे रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो यहाँ पे फर है उसको भी रिमूव कर दिया। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो मेरे को उसकी लगी भाई लाजवाब, बहुत ही
लेकिन साथ ही स्किन के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्मूथ भी था, यानी जो हमारे फिलिप्स वाले ट्रिमर के टाइम पे, फिलिप्स 3000 के टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यार मेरे को थोड़ा सा प्रिकी फील हुआ है या फिर हल्का सा नोवा के टाइम पे प्रिकी फील हुआ है, बिल्कुल भी नहीं था। Xiaomi जैसे स्मूथ था वैसे ही बिल्कुल ये वाला ट्रिमर भी हमारा काफी ज्यादा स्मूथ है स्किन पे। तो आप लोगों कहीं पे भी सेंसिटिव एरियाज में लाइक योर नेक के जो नीचे वाला एरिया, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा शार्पनेस ऑफ ब्लेड जो है ट्रिमर की वो नहीं फील होंगी। सो ओवरऑल आप लोगों को इस ट्रिमर से एक अच्छा ट्रिमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है एंड आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन टू यू गाइस। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड फिलिप्स एंड ये है हमारा फिलिप्स वन ब्लेड। एंड भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन नियॉन कलर का। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है। भाई सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है हमारा ट्रिमर का जो बॉडी है वो, लेकिन इसके ऊपर जो ब्लेड है वो लगा नहीं हुआ है। ब्लेड आता है अलग से एक केस के अंदर जो कि अंदर से प्रोटेक्टेड है उसके अंदर। तो ब्लेड लगाने के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके ऊपर प्लेस कर देना है एंड उसको इंसर्ट कर देना है। बहुत ही इजीली आपका जो ब्लेड है इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई हम लोग यहाँ पे मिल जाता है हमारा चार्जर जो कि हमारा एक यूएसबी पोर्ट वाला चार्जर है, यानी आपको अडैप्टर प्लग इन करना पड़ेगा। एंड साथ में हमारे पास में पिन वाला चार्जर मिलता है, तो आप लोगों को इसको यहाँ पे पिन के अंदर प्लग करके यहाँ पे आप इसको चार्ज कर सकते हो। एंड साथ ही हम लोग को मिलती है यहाँ पे दो कोम्ब अटैचमेंट्स, एक है नंबर 1 और एक है नंबर 3। तो भैया नंबर 2 इसके अंदर कहाँ है वो हम लोग को नहीं पता, तो 1 और 3 तो अवेलेबल है, नंबर 2 को कोई आइडिया नहीं। अब यार एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले ही बता दूं कि भाई देख के पता लग रहा है कि ट्रिमर जो है ना आपका हैवी और डेंस बियर्ड की ट्रिमिंग के लिए नहीं बना हुआ। इट इज मेंट फॉर गिविंग अ क्लीनर लुक टू योर स्किन, बट स्टिल बकचोदी के लिए मैं यहाँ पे इसको जो हमारा ये हेयर बैंड वाला फर है इसके ऊपर टेस्ट करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं कॉम्ब अटैचमेंट के साथ में। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे पता है कि सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, लंबे हेयर के ऊपर कॉम्ब अटैचमेंट के साथ में सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन अगर हम लोग कॉम्ब अटैचमेंट हटा दें तो उसके बाद भी यार इस हेयर बैंड के ऊपर ढंग से रन नहीं करने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो लंबे बाल है उसके ऊपर आपका ये वन ब्लेड इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। अब आते हैं हम लोग हमारे टाल वाले हेयर बैंड के ऊपर जिसके ऊपर डेंस हेयर है लेकिन छोटे हैं साइज में, एंड इसके ऊपर भी जो परफॉर्मेंस है आप लोग देख सकते हो कि भाई बिल्कुल अटक रहा है इसके अंदर। सो कंक्लूडिंग लाइंस कि भाई ये वाला जो ट्रिमर आपका डेंस हेयर एंड लंबे बालों के लिए नहीं बना है। तो चलो यार हमारा हेयर बैंड टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सिंस हम लोगों ने चेक करना है इसको कि क्लीन लुक मिलती है या नहीं मिलती, तो हम लोग स्किन टेस्ट हमारा डेफिनेटली करेंगे। भाई स्किन टेस्ट के टाइम पे बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ये ट्रिमर डेफिनेटली आपके स्किन को क्लीनर लुक देने के लिए बना है। यानी नॉर्मल ट्रिमर में जितनी भी लेंथ यानी 0.5 mm या फिर जितनी भी लेंथ आपके बालों की रह जाती है ना उसको ये प्रॉपरली क्लीन लुक डेफिनेटली दे देगा। एंड गाइस इट इज वेरी वेरी स्मूथ ऑन योर स्किन, तो कहीं भी आपको कट लगने का कोई डर नहीं है, कहीं भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड जो इसका फ्लेक्सिबल हेड है ना इट मेक्स श्योर कि आपके स्किन के हिसाब से आपके फेस शेप के हिसाब से एडजस्ट करे। तो यार अगर आप लोगों को एक बिल्कुल क्लीनर लुक चाहिए अपने फेस पे, इफ यू वांट योर फेस टू लुक प्रॉपरली क्लीन या फिर ट्रिमिंग के बाद में जहां जहां पे आप लोग चाहते हो क्लीनर लुक मिले आप लोगों को, दिस इज योर गो टू ऑप्शन। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है आप लोगों के लिए इफ यू वॉन्ट अ क्लीनर लुक। सो दिस इज समथिंग विच आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड टू यू गाइस। सो गाइस फाइनली हमारा आता है फिलिप्स 7000 सीरीज का ट्रिमर। एंड यार ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है अमंग ऑल जितना मैंने आप लोगों को दिखाई है, अप्रॉक्सीमेटली 3700 रुपीज का। लेकिन इसके अंदर हम लोगों को मल्टीपल ट्रिमिंग किट्स मिल जाती हैं, यानी इसके अंदर हम लोगों को मिलेंगे, मैं बता क्यों रहा हूँ, सब कुछ आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। आप देखते हैं इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल हम लोगों के पास में। तो सबसे पहले जब हम लोग स्लाइड आउट करके बाहर निकालते हैं तो ऐसा लगता है किसी अंडे की ट्रे की किट हो, लेकिन भाई बहुत सारी चीजें अवेलेबल है इसके अंदर। भाई बहुत सारे हमारे पास में यहाँ पे क्लिप्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो खोल के देख लें सबको पहले। तो मल्टीपल कॉम्ब्स आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं मोटा मोटा कवर कर देता हूँ। तो यार सबसे पहले तो हमारा जो ये है यह है हमारा मेन ट्रिमर। एंड ट्रिमर यार बहुत ही ज्यादा क्लासी लग रहा है देखने में, आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया शाइनिंग फिनिश है सिल्वर कलर की, जिसके ऊपर ब्लैक कलर से यहाँ पे डिजाइनिंग भी मिल रही है। साइड में आ रही थी फिलिप्स की ब्रांडिंग एंड बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। तो बात करें अब हम लोग यहाँ पे ब्लेड्स के बारे में, तो मेरे पास यहाँ पे ना 3 से 4 ब्लेड्स अवेलेबल है। सबसे पहले जो ब्लेड हमारे पास में यहाँ पे लगी हुई है वो है हमारी बियर्ड ट्रिमिंग के लिए। इसके बाद जो हमारी अगली ब्लेड आती है वो है हमारी नेजल हेयर ट्रिमिंग के लिए। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपनी जो बियर्ड वाली ब्लेड है उसको निकाल के दूसरी वाली ब्लेड यहां पे लगा देनी है, जो कि बहुत ही इजी लगाना आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा मेरे पास में यहाँ पे 2 ब्लेड्स और अवेलेबल हैं विच आर फॉर योर बॉडी ग्रूमिंग एंड फॉर योर प्रिसीजन ट्रिमिंग। प्रिसीजन ट्रिमिंग वाला जो ब्लेड है आप लोग अपने आईब्राउज के लिए यूज कर सकते हो, एंड ये बॉडी ग्रूमिंग वाला जो हमारा ब्लेड है ये रहेगा आपकी बॉडी ट्रिमिंग के लिए। तो भाई ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक ही ट्रिमर के अंदर इन्होंने सब कुछ ही दे दिया कि भाई आप लोग ऊपर से जो मेन ब्लेड है उसका हेड रिमूव कीजिए, अगला वाला लगाइए, तो आपके मल्टीपल हेयर सॉल्यूशंस जो है आपको मिल जाएंगे, चाहे वो आपके बॉडी का हो, चाहे वो आपके आईब्राउज का हो, चाहे वो आपके नेजल हेयर का हो। तो यार ये तो हो गया अनबॉक्सिंग के बारे में, अब मूव करते हैं हम लोग हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट पे। तो चलिए यार हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं हमारे कॉम्ब अटैचमेंट के साथ में एंड लंबे फर के ऊपर। भाई मजा नहीं आया ऑनेस्टली ट्रिमिंग का, ये अटक रहा है इसके अंदर, बिल्कुल भी ट्रिमिंग जो सही नहीं हो रही है। कॉम्ब अटैचमेंट हम लोग हटा देते हैं,
तो उसके बाद भी यहाँ पे हम लोगों को परफॉर्मेंस जो है एडिक्वेट देखने को नहीं मिल रही है। तो यार इतना महंगा ट्रिमर होने के बाद भी भाई परफॉर्मेंस यहाँ पे एडिक्वेट मेरे को देखने में तो नहीं मिली। तो चलो यार हमने हमारे लंबे वाले जो बाल है उसके ऊपर फेल हो गया, लेकिन टेस्ट करते हैं हमारे छोटे टाल वाले बाल के ऊपर। तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। तो ऑनेस्टली मेरे को यार मजा नहीं आया, मतलब गिवन द प्राइस 3700 का ट्रिमर है ये, इसके आपने मल्टीपल किट्स दे दिए हैं लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बट एनीवे हम लोगों को बाकी चीज़ें भी टेस्ट आउट करनी है। तो यार सिंस 3700 का 3700 का है तो यार एक बार स्किन टेस्ट भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या पता स्किन के ऊपर परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो मैंने इसका स्किन टेस्ट करा, आई नोटिस कि भाई जो इसके ब्लेड्स हैं वो फिलिप्स 3000 वाली सीरीज जो मैंने आपको दिखाई थी उसकी तरह हार्श बिल्कुल भी नहीं है, काफी ज्यादा स्मूथ है स्किन के ऊपर एंड काफी ज्यादा सीमलेस ट्रिमिंग देते हैं। तो बियर्ड पे तो ऐसे था, लेकिन मैंने कहा कि यार इसको एक बार बॉडी हेयर पे भी ट्राई करूं। तो हमारे बियर्ड वाला जो ब्लेड है उसी को मैंने मेरी बॉडी के ऊपर भी ट्राई करा एंड उसमें भी ट्रिमिंग काफी ज्यादा सीमलेस थी, काफी ज्यादा स्मूथ थी, कहीं पर भी मेरे को कट लगने का डर अपनी बॉडी पर नहीं लगा। देन आई चेंज द ब्लेड, मैंने लगाया हमारे नेजल हेयर वाले ब्लेड एंड यार नेजल हेयर में जो परफॉर्मेंस इसकी थी वो बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को, काफी अच्छे से इसने मेरे नेजल हेयर को क्लीन कर दिया। सो ओवरऑल आई थिंक जो ट्रिमर की क्वालिटी है व्हेन इट कम्स टू डेंस हेयर एंड लंबे बाल उसको यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूव्ड होना चाहिए था, बट ओवरऑल आई थिंक आई एम डिसेंटली सेटिस्फाइड। तो आप लोग लेना चाहो नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट बियर्ड ट्रिमिंग बट अदर रीजंस, तो आप लोग ये वाला ट्रिमर ले सकते हो। सो गाइस दिस वाज इट टुडेस वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पे टोटल 7 बियर्ड ट्रिमर्स जिसकी परफॉर्मेंस को हमने बिल्कुल डिटेल में एनालाइज करा है। सो इफ यू गाइस लाइक द वीडियो प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने कौन सा ट्रिमर लेना है। एंड प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि करंटली आप लोग कौन सा बियर्ड ट्रिमर अपने लिए यूज कर रहे हो। गाइस प्लीज आल्सो मेक श्योर दैट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंच जाए। एंड मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि भाई अब चैनल के ऊपर ना थोड़े बहुत व्लॉग्स भी जो है शुरू करने वाला है जिसमें शॉपिंग व्लॉग्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन डेफिनेटली मिल जाए। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ भी हो तो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, माय हैंडल इज द क्लासिक अफेयर। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मैं अब आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल।